शुक्रवार माँ लक्ष्मी की उपासना का दिन होता है और माँ को कई रूपों में पूजा जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हर शुक्रवार को की जाती है और वहीं माँ महालक्ष्मी की पूजा साल में एक बार की जाती है। इस पूजन का विशेष बखान शास्त्रों में किया गया है। इस व्रत की कथा का पाठ करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। यह व्रत 16 दिन तक अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। शास्त्रों की माने तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। अगर किसी कारणवश व्रत ना रख पाए तो कम दिन भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और 16वें दिन पूजा कर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिससे श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना और वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी की तुम्हारे घर में आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी का व्रत करो, 16 दिन तक व्रत करो और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। एक अन्य दूसरी कथा भी है जो इस प्रकार है। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर के सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हुई और पांडवों ने ना जाने का कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गए और अपनी माता के पूजन हेतु वे ऐरावत को लेकर आए। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महल की ओर दौड़ पड़े और सभी ने वहां जाकर पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। अश्विनी कृष्णाष्टमी को 16 पकवान बनाए जाते हैं। 16 बोल की कथा यह है। अमोती दमो तिरानी टोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गाँव जहाँ के राजा मगरसेन, दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते
सोलह बोल की कहानी। यह थी सोलह बोल की कथा। इस प्रकार अन्य व्रत कथाएं तथा उपाय जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें। नमस्कार।